गौ माता की जय। भुक्ता तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयम् जलाशयात् दुग्धम् ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य माता। सूखे तिनके खाने वाली जलाशय एवं सरोवर तालाब नदियों से जल पीने वाली ऐसी गाय विश्व को दूध देने वाली भुक्तम तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयम् जलाशयात् दुग्धम् ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य माता। ऐसी गाय जो विश्व की माता है। हमारे जीवन में गाय की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो 24 संस्कार होते हैं इनमें गाय के पंचगव्य की अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। गाय का दूध माँ के दूध से भी कितना गुना है इसका कोई मतलब जो है विशेष वो नहीं जो कि हाँ इसकी कल्पना या वो नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। जिसके मूत्र में गंगा जी विराजमान है, जिसके गोबर में लक्ष्मी जी विराजमान है, जिनके कंठ में सरस्वती जी विराजमान है, ऐसी गाय जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए, तन मन से सेवा करनी चाहिए। जीवन में धन की भी अगर हमारे पास कमी है तो भी तन और मन से हमारी हम सेवा कर सकते हैं गाय की। हम रमणरेती में विराजते हैं, मथुरा में रमणरेती आश्रम में 3000 गाय हैं हमारे पास। मैं जो है गौ सेवा करता हूँ, अनवरत काफ़ी समय से गौ सेवा वहाँ कर रहा हूँ। 40-50 गौपालक भी हमारे पास रहते हैं और एक से एक दर्शनीय गाय हैं जिनके बच्चे नाम बुला करके हम बुलाते हैं। तो जिस बच्चे को नाम लेकर के बुलाएंगे वही बच्चा आएगा। ऐसी सेवा अगर किसी को देखनी है तो रमणरेती जाके देखे। जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल छमाई भर, गौ माता पै सुधा पिलाकर शक्ति देती जीवन। जननी जन्म दे करके केवल साल 6 महीने दूध पिला करके जो है छोड़ देती है, लेकिन गाय जीवन भर दूध पिलाती है हमको और जीवन भर के लिए शक्ति देती है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, पूरे समाज से निवेदन करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि जो गाय हमारे गांव में गलियों में इधर उधर घूमती हैं, जितना हो सके, जितना नहीं हो सके थोड़ा हो सके, एक गाय की सेवा, दो गाय की सेवा जितनी व्यक्ति कर सकता है तन और मन से गौ सेवा करें। गाय को बचाए तो पृथ्वी बचे, पृथ्वी बचे तो सृष्टि बचे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, पूरे समाज से निवेदन करता हूँ कि संसार से निवेदन करता हूँ कि गाय को बचाएं, गाय बचेगी तो सृष्टि बचेगी।